أبا عبد الله يا أبا عبد الله. जलाए हुसैनी शमे रोशन है इस जश्न विला पर इस फर्श विला मौला कोई गम न दे आपको सिवाय गम मोहम्मद वाले मोहम्मद के आपकी जान माल इज्जत आबरू ईमान की और दुनिया में जहां कहीं भी मोमिनीन आबाद हैं उनकी जान माल इज्जत आबरू ईमान की हिफाजत फरमाए हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन क़िबला रजी जाफर नकवी साहब यहां बैठे हैं उनसे ज्यादा तलब करके शब्बर भाई हमारे उनसे ज्यादा तलब करके और जितने भी उलमा कराम हसन जफर नकवी साहब यहां बैठे हैं इन सबके और मोहम्मद नकवी साहब क़िबला यहां बैठे हैं सबके कदमों को हाथ लगाकर इजाजत चाहिए मेरे मामा आरिफ रज़ाज़ादी साहब यहाँ खड़े हैं मस्जिद का तस्करा हो और सजदों का तस्करा ना हो तो सोहेल शाह साहब का कलाम पढ़ो दो तीन अशआर इस कलाम से फिर एक कलाम पढ़ते हुए हम हैदर हैदर करते हुए क्योंकि मस्जिद हो और हैदर हैदर ना हो तो क्योंकि मस्जिद का रुख काबे की तरफ होता है और काबे का जहाँ तस्करा हो वहाँ मौलूद काबे का तस्करा ना हो तो फिर तो कलाम पेश करो मोहम्मद रजा काजमी साहब अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो मेरे पास आकर बैठ जाए तो ताकि मेरी हौसला नहीं ऐसा नहीं आप मस्जिद पर तशरीफ लाएंगे और ऐसा नहीं होगा और मैं अपने रजी भाई से जिन्होंने इस औरंगी टाउन में मैंने सिर्फ सोचा था कभी जो औरंगी टाउन भी जाया करते हैं लोग मैं तो हालांकि अक्सर आया करता था रमजान में लेकिन हमारे रजी भाई ने ऐसा कमाल कर दिया है कि लोग यहाँ मैं दो दो दिन एक दिन में दो दो बार अगर यहाँ चक्कर लगा लूं तो कोई कमाल नहीं है वाला सलामत रखे रजी भाई से मैं गुजारिश करूंगा इस मसनद पर अपना हसीन चेहरा लेकर आ जाएं ताकि लोग मुस्तफीद हो सके इन चेहरों से जो मेरे मौला की विला और अज़ा कुफरों में सारे दुनिया में काम कर रहे हैं कोई गम न दे मेरा मौला सिवाय गरम मोहम्मद वाले मोहम्मद के चार में सरों से आगाज करूंगा देखिएगा शायद किसी काबिल हो मेरा भाई भी तकल्लुम यहां तशरीफ लाया है मौला इनको सलामत रखें कि भाई भी सज्जाद भी थे और यकीनन आपकी दुआओं से सज्जादी की तरफ है मौला उन्हें शिफा कामिला और आजल अता फरमाए तमाम हुसैनी मोमिनी से तो सलाम के लिए बाबा का बुलंद नारे सलावात चार भी सरों से आवाज करूंगा कि जिक्र हैदर को हर एक वाला नसर भूलेगा जिक्र हैदर पे मामा सुनिएगा जिक्र हैदर पे हर एक वाला नसर भूलेगा तू अभी भी नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा जिक्र हैदर पे हर एक वाला नसर भूलेगा तू अभी भी नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा नारा हैदर का लगा शिक्र परखने के लिए जो अभी कभी ही बोला है बोलेगा तीनों विलायतों का इकरार है मेरा दीन भी है मेरा ईमान भी है मेरी पहचान भी है तीनों विलायतों के इकरार के साथ कलाम शुरू करूंगा दोनों हाथ बुलंद करके मैं चाहता हूं कि जलाए विला आपके सीनों में जल रही है उसे और बड़ा करूं ताकि थोड़ी सी करूं और पढ़ने में और सुनने में मजा आए हुसैनी मौला गाजी सरकार के अलम के साए में हो दोनों हाथ बुलंद करके कहो नारे देखो रंगी टाउन इस फर्श से मैं चाहता हूँ कि करबला कूफा अजफ और सामर्रा की चौखंडों को ये नारे सलामी दे और जन्नतुल जन्नत की चौखंड को सलामी देकर शहजादी की चादर का साया हमारे सरों पर है उसे और बहुत फरमाए मेरे मौला के अज़दारों मेरे मौला के मिलाइए दोनों हाथ रंग करके नारे नारे तीन बीमारियां हैं खुदा का शुक्र है कि तमाम हुसैनी अज़दार इन तमाम बीमारियों से महफूज हैं बिलखुसूस इन तीनों बीमारियों से न कर यार न बेदार के सजदे न कर यार न बेदार के सजदे I'm gonna
मोहम्मद हो जादा के सजदे मकबूल फकत होंगे जादा के सजदे पर इस्लाम से मिलती नबी सेहत का मिल इस्लाम से मिलती नबी सेहत का मिल हो दे मकबूल फकत होंगे बचाऊंगा के सारे मिलकर बोले अजादार के सजदे मकबूल फकत होंगे अजादार के सजदे मकबूल फकत होंगे मकबूल फकत होंगे अजादार के सजदे मकबूल फकत होंगे अजादार के सजदे और तू उनकी रहमत जहन्नुम है तेरा घर तू मुनकिर है मेरे जहन्नुम है तेरा घर तेरे घर खुदा तेरे क्या बात है मकबूल फकत होंगे अजादार के सजदे मकबूल फकत होंगे अजादार के सजदे पढ़ने के लिए बहुत कुछ आया था लेकिन दामन बख्त में गुंजाइश नहीं है और बस बस हैदर की सदाओं से हम आगाज करेंगे और तमाम हुसैनी जो लोग बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि खड़े होकर जिक्र में शरीक हो और मेरे साथ चलकर फर फर करने आ जाए। जब अजमेर का इनाम का तस्करा है तो फसल के मानने वालों करीब करीब तशरीफ ले आओ और मेरे साथ चलकर बराबर में सारे हुसैनी मिलकर मेरे मौला अली अपने पिता ने बड़े सलाम का तस्करा करेंगे। हमारे नईम भाई अपने तमाम बच्चों को मेरा बिलखसूस जैन से गुजारिश करूंगा थोड़ा मेरे साथ उतार आओ जैन मेरा बेटा और नईम भाई से गुजारिश है थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आए। आप तमाम हुसैनी जो बैठे हुए हैं सबसे गुजारिश है कि खड़े होकर इस मेरे लिए जिक्र क्या कराते हैं जनाबी मेरा नाम के साथ मेरे भाई सलमान जैसी भट्टे भाई तशरीफ फरमाए इमरान भाई अगर मसरत पर तशरीफ लाएंगे तो बेहतर होगा इस तरफ से और अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच जाए तो मैं उनसे दस गुजारिश करूंगा कि फर्श पे इस स्टेज पर तशरीफ ले आए फर्श पे बुला कर सारे उसके बाद आप अपने खून की दलील देते हुए अपने ईमान की दलील देते हुए जितने लोग यहाँ गए मुझे हैरत है वाजे सरदार को बड़ा बना कर दोनों हम लोग खुदा को बना कर मेरी आवाज से आवाज जरा कर बोलो हैदर 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 की शक्ल में मस्जिद की तरफ जाएंगे मेरे लिए दुनिया ये बनी है राज ये हमने जाना रब ने उस पर लानत की है जिसने तुझे ना माना तेरे लिए दुनिया ये बनी है राज ये हमने जाना रब ने उस पर लानत की है जिसने तुझे ना माना तू रब की मलाही है ना इतना बड़ा नाराज के बाजे सरकार जो उनसे राजी रहे इतना बड़ा बोल रहा तो रब की गवाही है ना तो रब की गवाही गवाही तो दी के सिपाही है ना तो दी के
ही बनाई माला जो सारे खुदाए हारा हैदर हैदर आयो सरी आयो सरी सरी हैदर 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 तेरे लब से तीर से खबर गिर तू है हैदर 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 हैदर